देसी मिर्ची तड़का में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आलू से नाश्ता बनाने जा रही हूँ। देख सकते हैं ये 4 पीस आलू है और यहाँ पर सूजी फुला के रखी हूँ। इसी का आज मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। देखिए झटपट बनने वाली नाश्ता। आलू को थोड़ी सी मिस लेना है क्योंकि आलू उबाल चुकी थी और मैं थोड़ी सी इसको तोड़ ले रही हूँ। इसमें थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। एक चुटकी हींग डाल रही हूँ। दो मिर्चे हैं जिसको कट करके यहीं डाल दे रही हूँ। इस तरह से 2 या 3 अपने स्वाद के अनुसार, क्योंकि तीखी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए हमको, इसलिए मैं 3 मिर्चे को काट रही हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन है, 3-4 कली, इसे कूट के डाल दे रही हूँ। पत्ता है उसमें डाल रही हूँ, थोड़ी कड़ी पत्ता है उसको डाल रही हूँ। थोड़ी सी प्याज लाल होने तक, थोड़ी प्याज लाल करना है इसमें। यहाँ एक टमाटर है जिसको मैं थोड़ी सी डाल दे रही हूँ कट करके। नमक डाल दे रही हूँ आलू के अनुसार, जितना आलू है, फिर ज़्यादा आलू नहीं है, 4 पीस आलू है, इसलिए मैं थोड़ी सी नमक डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी ताकि कलर आ जाएगी मेरी। अब मैं आलू प्याज को लाल हो गई, अब मैं आलू को डाल दे रही हूँ। इसको भूनना है इसलिए मैं थोड़ी सी चाट मसाला डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच चाट मसाला डालना है ताकि मेरे आलू में स्वाद ज़्यादा आ जाए। एक चम्मच डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैगी मसाला डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्की सी। आलू को अच्छी तरह से भून लेना और उसके आलू तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं आलू की बना रही है, हल्की सी थोड़ी सी भून लेना है आलू को। ज़्यादा देर नहीं लगी, झटपट नाश्ता तैयार है। टिफिन में आप देख सकते हैं बच्चे को, या घर में बना सकते हैं। देखते हैं आलू भुना गई है मेरी अच्छी तरह से। अब मैं तवा उठा रही हूँ। थोड़ी सी तेल लगा दी, बहुत अच्छी सी
जल्दी से बन जाती है, फिर भी नहीं लगती है। ऐसे करना है जल्दी जल्दी से, खूब अच्छी सी पक जाएगी, नहीं लगती है। इसी में जो आलू को तैयार की थी भून के, मैं इसे मैं डाल दूंगी थोड़ी थोड़ी इस तरह से। हेल्दी नाश्ता तैयार होगी सुबह का, पलट दूंगी इस तरह से। बन चुकी है, डोसा टाइप की नाश्ता तैयार हो गई। मैं थोड़ी सी चिली सॉस डालती हूँ, टमाटो सॉस, चिली सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस के साथ खाने के लिए देती हूँ। झटपट अगर देर हो रही है तो फट सना, अगर चाटो दोठो आलू है तो फट सना आप इस तरह का नाश्ता तुरंत बना सकते हैं, देर भी नहीं लगती है।